हाथ कांप रहा है क्या? अरे हाथ कांप रहा है, थोड़ी देर बंद कर। नहीं बन रहा है। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी लोगों को स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दिवाली सभी का ब्लॉग में। और आज मैं जल्दी नहा वाली। कितना बज रहा है नैन्सी? 10 बजने वाला है। 10 बजने वाला है। पूजा वूजा जल्दी कर दिया और देखिए सब लोग। और अभी मैं जा रही हूँ सब्जी लेने और दूध लेने जा रही हूँ। कल से खाना नहीं खाई हूँ, रात से तबीयत ठीक नहीं है, सुस्ती सुस्ती सी लग रही है। आई तो वो मीटिंग हुई और ये मेरी साड़ी देखो दिख रही है। सो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा अच्छा लगे तो, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और क्या ही बोलूँ आप लोगों से। चलिए फिर सामान लेके आती हूँ, फिर शेयर करती हूँ कुछ। सोच चल रही हूँ सामान लेने, बहुत दिन बाद निकल रही हूँ आज। बाहर बहुत गंदा है, साफ करना पड़ेगा। चप्पल उप्पल का पता ही नहीं कहाँ, इतने दिन में इतना गंदा हो जाता है, पूरी चप्पल उप्पल की माँ बहन हो रखी है, इतनी गंदी हो गई है। झाड़ू लगाना पड़ेगा, आज नहीं लगाई कल लगाऊंगे बाहर साइड में। पहले जहाँ दूध लिया हूँ, मनोज तिवारी की छुट्टी है आज तो सो रहे हैं अभी, तो मैं जल्दी नहा ली तो मैंने कहा मैं भी जाके ले आती हूँ। मटर अदरक भी दे देना। आलू सस्ता हुआ और बढ़ गया। मैं गांव गई थी, इसमें मनोज तिवारी चावल बना के भगोने को पूरा जला दिए थे। उसके बाद फिर मैंने इसको मांजा तो साफ भी नहीं हुआ। इतने इसमें चावल बनाए थे तुम्हारे, तुमको लग रहा भेजा वेजा काम नहीं करता, डिस्टर्ब हो गए हो लग रहा है। हाँ वही तो बता रही हूँ,
दिमाग से थोड़ा डिस्टर्ब लगने लगे हो अब। ये कहानी सुन सुन के ना आधे तो तुम वो हो चुके हो। अभी भी काम में लीड लग गई होगी ना सवेरे से। रुको आ रही हूँ आज। सो गाइज अभी 12:30 बज रहे हैं। आज मैं जल्दी नहा ली थी तो मेरा खाना वाना डन हो चुका है, बन चुका है। सब्जी और चावल और रोटी अभी नहीं बनाई हूँ, सब्जी चावल बन गया है। सोचा था दाल बनाऊंगी पर दाल नहीं बनाई। बार बार याद आ रही लाडो की और उसकी बहन की बेटी थी छोटी। अभी फ़ोन करी थी तो बोल रही थी कि मासी आपके पास आना है घूमने जाना। कुछ दिन रुक जाओ तो ऐसे ही होता है। हवा चल रही बहुत तेज़ वाली। नैन्सी गई है कुछ लेने, मनोज तिवारी हॉस्पिटल गए, उनकी आँख में कुछ दिक्कत है पता नहीं, रेड रेड हो रखी है तो वही दवाई लेने गए हैं। और मैं बैठी हुई हूँ नैन्सी का इंतज़ार कर रही हूँ। नैन्सी अभी तक पढ़ाई कर रही थी और अभी कुछ लेने गई हैं, आ रही है। नहीं आई, कोई और है, मुझे लगा आ गई, तो मैं इंतज़ार कर रही थी उन्हीं का। इन लोग ऐसे हैं कश्मीर वाले जो रहते हैं, अगर दरवाजे की कुंडी खुली रहती है, दरवाज़ा बंद नहीं रहता, तो ये लोग मतलब वो हो जाते हैं, दरवाज़ा नॉक नहीं करते हैं, सीधा डायरेक्ट दरवाज़ा खोल देते हैं। तो इसकी वजह से मुझे कुंडी हमेशा लगा के रखनी पड़ती है। आ गई नैन्सी, मेरा स्वेटर पहनी। हेलो नमस्ते, राधे राधे। हम माँ बेटी, एक बच्चा गांव में रुक गया है, वो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है। रहता था तो पूरे दिन लड़ाई करता था, सबको परेशान करता था, अभी नहीं है तो सूना सूना लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोग मतलब कुछ टीवी को पता नहीं क्या हुआ, टीवी भी नहीं चल रहा, थोड़ा वो टीवी चलता रहता है उससे एंटरटेन होता रहता था। तो अभी नैन्सी कुछ लेके आई है अपने लिए। वीडियो में बने रहिएगा गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। बंद हो जाए गाड़ी से क्या रुक जाते हैं लोग, चढ़ा देते हैं चढ़ा देते हैं। जा 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 अंदर कहाँ जाऊंगी। अरे कितना वो बना, बंद किया, चालू कर दो, अंदर जाओगी। हाँ ये है। हाँ क्या नैन्सी के लिए डोसा पैक हो रहा है, लो पूरी पैकिंग वीडियो बना दे, बिना इधर देखो पूरा लो वीडियो बना दे, वहां से बनाओ, वहां से लो बना दे, रोक रोक के बनाना आते हैं पूरा काम। यहाँ पे डोसा बहुत अच्छा मिलता है, सुन के नैन्सी के लिए ले रहे हैं आज। सांभर बड़ा अलग से देते हैं।
आलू की स्टफिंग होती है। काली हो जाती लिपस्टिक भूतनी जैसी, ऐसा लगता है जैसे मैं भूत हूँ। ये गलियां ये चौबारा, आज संडे था सभी लोगों को पता हो तो। हैप्पी संडे। अब रात में क्या हैप्पी संडे बोलूंगी, 8 बज गए। नैन्सी पढ़ाई कर रही है, बिल्कुल सन्नाटा है। टीवी में टीवी चल रहा है, टीवी में आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं चूहे तार काट दिए कि केबिल ओबिल काट दिए, पता नहीं क्या हुआ, आवाज़ ही नहीं आती। ये तो मैं इसीलिए नहीं पहनती, ये झूल जाता पीछे चला जाता है, लॉकेट इसकी घूम के उधर चली जाती। नील पेंट कैसे लगाया मैंने आज, रेड में ग्रीन लगा लिया तो काला हो गया, सब काला ही काला दिख रहा है, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूं सोचेगी। मेहनत करे जाओ करे जाओ करे जाओ करे जाओ, फल कब मिलेगा। सुबह जब भी बज रहे हैं रात के 9 और मेरी सब्जी बन रही इधर कटहल की रात की, अभी छौका इसको पक रही है और आटा लगा के रख दिया, अभी रोटी बनानी है। ये बाहर आई थी मेरे यहाँ से बहुत सारी लेके आई थी, अभी इतनी बची हुई है, पक गई, पन्नी में ही रखी रही, फ्रिज में रख दिया था। बर्तन धोए अभी ढेर सारा, और हवा बहुत तेज वाली चल रही है, लहर रही है बिल्कुल से, कपड़े सूख गए, हवा चलती है तो कपड़े सूख जाते हैं, कल से डले हुए हैं, सूख गए, अब निकालूंगी इनको। बहुत मौसम तो बिल्कुल साफ है लेकिन हवा बहुत तेज वाली चल रही है, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। नैन्सी पढ़ाई कर रही है, आओ। बारिश हो रही है क्या, हवा चल रही है, सूख गए कपड़े, इतने एक लादी कपड़ा इनका था, जब कहीं चली जाती हूँ तो इतना उतार उतार के कपड़ा रख देंगे, धोने के लिए नहीं कि आराम से बैठ के धो लें, पानी फराग आता है उसके बाद भी इकट्ठिया के रख देंगे, मतलब कहीं जाओ तो बर्तन भी इकट्ठा करके, पूरा बास बेसिन बर्तन से भरे हुए थे और आराम से पड़े हुए, आराम से। आज छुट्टी है तो सुबह से लेटे ही है, बस उठ के बैठे भी नहीं है। आएंगी 10 दिन बाद आओ, 15 दिन बाद आओ तो बर्तन उतना रखे रहेंगे इकट्ठा करके, आओ तो धो। ऐसा लगता है बोलते रहो कोई असर भी नहीं होता, ऐसा लगता है दूसरे को बोल रहे, सुनाई नहीं देता, कान में फुटड़ू पहुंचे रहते, किसी दिन बजाऊंगी बढ़िया से। लादी उतार के रख देंगे, बर्तन इकट्ठा करके रख देंगे, घर के अंदर जो गंदगी रहेगी वो रहेगी, उन्हें आते रहेंगे कपड़ा, ऐसा लगता है जैसे किसी उसमें रह रहे हो, और इतने गंदे करेंगे कपड़े, कहाँ सुन रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे, इधर दिखाओ जरा, ऐसा लगता है जैसे दूसरे
दूसरे को पूरा कम्बल उम्बल लेके पड़े हुए हैं। जितने कम्बल रजाई दे दो सब ओढ़ रहेगी, इतनी ठंडी लगेगी कि पूछो ना। अपने खुद के कपड़े भी धोने में हालत खराब हो जाती है। सो गाइज, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो रोज देखा करिए और कमेंट भी किया करिए, लाइक करा करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करिए। और क्या बोलूँ कि नैन्सी को नैन्सी की मौसी ने दिया है, मेरे भी आ जाएगा ना नैन्सी किसी दिन पहनूंगी। नैन्सी की मौसी ने भिजवाया था, मामी भी कपड़ा खरीद रही थी नैन्सी के, मुझे भी साड़ी दी है, दो साड़ी दिया है, एक पहन के आई थी एक ले के आई थी। कपड़े भी खरीद रही थी, मैंने मना कर दिया, पहनती है नहीं तो बहुत सारे कपड़े रखे रहते, स्कूल जाती है स्कूल का यूनिफॉर्म पहनेंगी, आएंगे तो ऐसे ही रहेंगे। वैसे क्या कपड़े तो घर में पहनती है, घर के ही मतलब कपड़े पहन लेती है, ज्यादा कपड़े पहनना हो नहीं पाता, पार्टी वार्टी में कहीं जाना नहीं होता कभी भी इसकी वजह से। मिलेंगे आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।